सर, राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, इसके संदर्भ में आप वक्तव्य बताइए। एक बार पहले भी प्रवेश की थी और उसका नतीजा ये रहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार साफ हो गई, और अब जब दोबारा प्रवेश कर रही है तो जो 25 सीट मिलने की भाजपा ने आशा लगा रखी है उस पर पुख्ता मुहर लग गई। जह जह पांव पड़ेंगे राहुल गांधी के, तह तह बंटा ढाल। ये जो राहुल गांधी देश में जिस तरह का मैसेज फैला रहे हैं उस पर उन्होंने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया है। उनका मन साफ हो सकता है, वो अपने हिसाब से अच्छा ही सोचकर बोल रहे होंगे, लेकिन वे जो कुछ कर रहे हैं वे देश को तोड़ने में, प्रतिकूल माहौल बनाने में सहायक हो रहे हैं। उनको चाहिए तो यह कि वे सकारात्मक राजनीति करें। केंद्र सरकार में अगर उनको कोई कमी लगती है तो उसकी बात करें, लेकिन वे तो भारत के अंदर दोष निकाल रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और ऐसी चीज जो कि कभी संभव नहीं, वो जानते ही नहीं। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम सुबह उठ करके चाय बनाते हैं, इसके लिए स्टोव में कोयला डालते हैं। अब उनको यही नहीं पता कि स्टोव कैसे चलता है, उनको ये नहीं पता कि स्टोव आजकल चलता है कि नहीं चलता है। तो अभी उनको प्रशिक्षण की जरूरत है, और राजस्थान की कांग्रेस में जो फूट है, जिस तरह की लड़ाइयां हैं, जिस तरह के झगड़े हैं, और केंद्र में जिस तरह कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, आज स्थिति है कि सोनिया गांधी के लिए लोकसभा की सीट नहीं है लड़ने के लिए। कभी लोगों ने सोचा नहीं होगा, नामदारों ने, कि राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सीट से चुन करके जाना पड़ेगा इनको। लेकिन यह परिवार की राजनीति, यह इनका तुष्टीकरण, इसका जमाना लद गया है। राहुल गांधी की यात्रा की सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां भाजपा का फायदा करेंगे, जहां जहां जाएंगे वहां भाजपा को फायदा मिलेगा।